हाई फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर चैनल किडॉक्स। मैं डॉक्टर राणा चंचल, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड न्यूनेटोलॉजिस्ट। आज हम इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि चाइल्डहुड ओबेसिटी, इस तरीके से हमें प्रिवेंट करना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है कि ओबेसिटी आई नहीं, और फिर ट्रीट कैसे करना है कि अगर मान लीजिए ओबेस हमने पहचान लिया तो किस तरीके से ट्रीटमेंट देना है, क्या गोल्स होने चाहिए वेट लॉस की, कितना गोल होना चाहिए कि एक महीने में बच्चे को कितना वजन लूज़ करना है, तो इन सारी बातों में बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे फिजिकल एक्सरसाइज, स्क्रीन टाइम, बच्चे में नींद कितनी होनी चाहिए, स्लीप टाइम कितना होना चाहिए एज के अकॉर्डिंग, इन सब चीज़ों पे भी हम लोग आज इस चीज़ में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट, किस तरीके से हम मोटापे को रोक सकते हैं या ट्रीट कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो पहली जो पॉइंट है वो होता है एजुकेशन। सबसे पहले तो हमें उस चीज़ को पहचानना ज़रूरी है, इस चीज़ को मानना ज़रूरी है कि मोटे बच्चे अच्छे नहीं होते, उनमें बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं, ये उतनी खतरनाक प्रॉब्लम है जितना कि पतले बच्चे या अंडर न्यूट्रिशन बच्चों में है। तो सबसे फर्स्ट इज एजुकेशन, यू नीड टू बी एजुकेटेड, यू नीड टू आइडेंटिफाई दी प्रॉब्लम, आपको समझना जरूरी है कि मोटापा अच्छा नहीं होता है। सेकेंड चीज़ जो होती है, मैंने पहले बताई थी कि मैटरनल हेल्थ, अगर हम लोग मैटरनल हेल्थ पे ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिकली जो है बच्चे का जो हेल्थ है, बच्चे की जो जेनेटिक्स है वो इम्प्रूव होगी। तो सेकेंड पॉइंट वो हो गया। थर्ड पॉइंट जो होता है वो है ब्रेस्ट फीडिंग। तो ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस यहाँ पे भी आता है, ऐसा स्टडीज़ में देखा गया है कि जो बच्चे ब्रेस्ट फीड करते हैं उनमें ओबेसिटी का रिस्क 22% कम हो जाता है, विच इज़ अ बिग थिंग। और इसीलिए मैं बार बार फिर से कह रहा हूँ, फॉर्मूला तभी दें जब बहुत प्रॉब्लम हो, ब्रेस्ट मिल्क नहीं दे पा रहे हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग इसमें भी फायदा करता है कि बच्चे को आपको फ्यूचर में ओबेसिटी के रिस्क को बहुत कम कर देता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर करवाएं अगर पॉसिबल हो। फोर्थ जो पॉइंट होता है वो होता है फिजिकल एक्टिविटी। मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बात किया है और यहाँ पर मैं फिर से इस बात में स्ट्रेस दूंगा, फिजिकल एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली ओबेसिटी को रोकने के लिए। तो अगर हम लोग इसको एज वाइज कैटेगरी में डिवाइड कर दें तो अगर एक साल से छोटा बच्चा है तो जितना एक्टिव रहे उतना बेटर है, दिन भर एक्टिव है तो बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ का बस हमें ध्यान रखना है कि बच्चे को टमी टाइम यानी पेट के बल लिटाने में एक्टिवली एटलीस्ट 30 मिनट्स पर डे, 30 मिनट कम से कम एक्टिवली बच्चे को टमी टाइम दे, उससे बच्चे का डेवलपमेंट भी अच्छा होता है, ओबेसिटी भी कम होती है और ओवरऑल जो ग्रोथ होता है वो बेटर होता है। अब आता है कि टमी टाइम कब से देना शुरू करना है, तो मेरा पर्सनल एडवाइस ये रहता है कि जनरली जब बच्चे की नेक होल्डिंग आ जाए, जब बच्चा गर्दन संभालने लगे, यानी 1.5-2 महीने के बाद से आप आराम से दे सकते हैं। ध्यान क्या रखना है, टमी टाइम शुड ऑलवेज बी सुपरवाइज्ड, यानी आपको 100% अटेंशन उस वक्त बच्चे पे रखनी है। अगर हम 1 से 2 साल के बच्चे की बात करें तो इसमें भी होता है कि जितना ज़्यादा बच्चा एक्टिव रहे उतना बेटर है, बट मिनिमम आपको 3 आवर्स यानी एक दिन में 180 मिनट्स यानी 3 घंटे कम से कम बच्चे को एक्टिव रखना है। नेक्स्ट ग्रुप जो हो गया बच्चों का वो हो गया 3 से 5 साल के बच्चे। तो 3 से 5 साल बच्चों में भी वही है, 180 मिनट्स डेली उनको एक्टिव रखना ही रखना है। ध्यान क्या रखना है कि इन 3 घंटे में से कम 1 घंटा जो हो वो मॉडरेट या विगरस एक्सरसाइज का हो। उसके एग्जांपल क्या है वो मैंने साइड में चार्ट में लगा दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो इन एक्टिविटीज़ को कम से कम 1 घंटे दें, ओवरऑल 24 घंटे में बच्चा कम से कम 3 घंटे एक्टिव रहे। तो ये हो गया 5 साल तक के बच्चों का। 5 साल से जो बड़े बच्चे हैं, 5 से 18 साल अगर आप मान लेते हैं, तो भी जो एक्टिविटी है वो मिनिमम 3 आवर्स होनी चाहिए। अब ऐसे बच्चों में हम क्लासिफाई कर सकते हैं 2 तरीके की एक्टिविटीज़ में या 2 तरीके के फिजिकल एक्टिविटी में। 1 होता है एरोबिक एक्टिविटी, दूसरा होता है मसल बिल्डिंग या स्ट्रेंथ एक्टिविटी। तो अगर हम एरोबिक एक्टिविटीज़ की बात करें तो उसके एग्जाम्पल्स मैंने दे दिए हैं, वो आप डेफिनेटली करवाते रहें बच्चे को। विगरस एक्टिविटी या मॉडरेट एक्टिविटी की अगर हम लोग बात करें तो इन 3 घंटे में से 1 घंटा कम से कम उसके लिए डेडिकेटेड होना चाहिए। तीसरा पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है कि हफ्ते में यानी 1 वीक में एटलीस्ट 3 डेज बच्चा थोड़ा सा मसल बिल्डिंग या स्ट्रेंथ के लिए एक्टिविटी या एक्सरसाइजेस करे, डिपेंडिंग ऑन कि उसका कितना एज है। मसल बिल्डिंग या स्ट्रेंथ की जो एक्सरसाइजेज होती हैं उसका भी मैंने लिस्ट यहाँ पे लगा दिया कि जिस तरीके से पढ़ाई का शेड्यूल इंपॉर्टेंट है उसी तरीके से फिजिकल एक्टिविटी का भी शेड्यूल होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट यानी जो 5th पॉइंट होता है वो होता है बच्चों में स्लीप का। तो स्लीप के लिए जाना ज़रूरी है कि स्लीप हम सभी के लिए हेल्दी रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत निगलेक्टेड चीज़ है, नॉट इवन इन बच्चा लोग, बड़े लोगों में भी बहुत निगलेक्टेड चीज़ है। तो प्लीज़ अपने बच्चे का शेड्यूल बहुत प्रॉपरली रखिए, बच्चे को कब सोना है कब जगना है इसके बारे में पता होना चाहिए, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो ओवरऑल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। अगली चीज़ जो आती है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स सा एक चार्ट है कि स्टडीज़ हुई हैं और उसमें देखा गया है कि किस तरीके से लैक ऑफ स्लीप या इम्प्रॉपर स्लीप जो होती है वो ओबेसिटी को रिजल्ट करती है। अब मैं ये जो चार्ट लगा रहा हूँ आप लोगों के सामने, ये बेसिकली आपको बताएगा कि कितना नॉर्मल रेंज होता है स्लीप का उस एज के लिए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो डार्क ब्लू वाला जो सेक्शन है वो उस एज के लिए आइडियल स्लीप पैटर्न है या आइडियल स्लीप रेंज है।
अगर उसके ऊपर देखेंगे ऊपर नीचे, तो वो लाइट ब्लू में जो लिखा हुआ है वो बेसिकली बताता है कि इतना तक अप्रोप्रिएट है, इसके ऊपर अगर जा रहा है तो वो अबनॉर्मल होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो होता है बच्चे का स्क्रीन टाइम। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये भी एक बहुत बुरी एक हैबिट आती जा रही है, उसके लिए मैं शायद हम पेरेंट्स ही ब्लेम करने के लिए हैं कि बच्चे को हम लोग बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से इंट्रोड्यूस करवा दे रहे हैं। WHO, IAP जितने भी बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं उन्होंने क्लियर कट रिकमेंडेशंस दी हुई हैं, इसी वजह से दी हुई हैं क्योंकि स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से बच्चे का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता है, बच्चे ओबीस होते हैं, बच्चे की आईज अफेक्ट होती हैं और सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे क्लिनिक पे आते हैं, बच्चों में स्पीच डिले शुरू हो गया है और उसका मेन रीज़न स्क्रीन टाइम है। तो अगर हम इसके क्लासिफिकेशन पे जाएं तो 2 साल से नीचे बच्चे में 0 मिनट्स यानी 1 मिनट भी स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए, चाहे वो लैपटॉप हो, टीवी हो, मोबाइल हो, कुछ भी हो, 1 मिनट भी स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। 2 से 5 साल की अगर हम लोग बात करें तो 1 आवर एक दिन में आप 1 घंटे ओवरऑल यानी 60 मिनट्स का स्क्रीन टाइम दे सकते हैं, बट दैट शुड बी सुपरवाइज देना है, अपने मन से बच्चे को नहीं देना है। नेक्स्ट, अगर 5 साल से बड़ा बच्चा है, 5 साल से 18 साल के बीच में, तो जो रिकमेंडेड स्क्रीन टाइम है वो 2 आवर्स है। बट वंस अगेन कोविड की वजह से बहुत सारी क्लासेस हो रही हैं जो कि स्क्रीन पे ही हम लोगों को देखना है, तो एक तो ये मैं डेफिनेटली कहूँगा कि छोटे बच्चों के लिए ये जो स्क्रीन टाइम है वो सुपरवाइज रखें। अगर 1 घंटे से ज़्यादा का स्ट्रेच हो रहा है तो प्लीज़ बच्चे को बोलें कि एवरी 45 to 50 मिनट्स 5 मिनट के लिए अपनी आईज़ को ब्रेक दे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना ले, लगातार जो कंट्रास्ट है मोबाइल का या स्क्रीन का उसको थोड़ा सा कम करके रखे, उससे बच्चे को थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। 2 साल से छोटे बच्चों में तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, देयर शुडंट बी एनी स्क्रीन टाइम एट ऑल। इट इज़ टफ टू फॉलो बट बच्चे की डेवलपमेंट के लिए वी हैव टू डू इट। ये पेरेंट्स के लिए ज़्यादा टफ है, तो हम लोगों को करना है। पेरेंट्स बच्चों को, कई पेरेंट्स मोबाइल दिखा के खाना वाना खिलाते हैं, ये चीज़ नहीं है, इट्स अ बैड हैबिट। नेक्स्ट पॉइंट जो 6th पॉइंट है वो आता है, वो होता है डाइट। तो डाइट के लिए एक माई प्लेट का आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे डाइट चार्ट भी बन जाएंगे, आप अपनी पीडियाट्रिशियन और डाइटिशियन से भी डाइट चार्ट बनवा सकते हैं। होल आइडिया इज कि जंक फूड्स बहुत ज़्यादा नहीं देना है। 7th जो पॉइंट आता है, इट इज़ बेसिकली नोन एज 5-2-1-0 रूल। 5 का मतलब है कि एटलीस्ट 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट या वेजिटेबल रहे, उससे बच्चे का पेट भी भरा रहेगा और बच्चे को कैलोरीज बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगी। 2 का मतलब है कि जो रिक्रिएशनल टाइम है, स्क्रीन टाइम है, वो 2 घंटे से कम रखें। 1 का मतलब है कि एटलीस्ट 1 आवर ऑफ फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी है बच्चे की, जो कि मॉडरेट या विग्रेस हो। 0 मतलब है कि जो भी स्वीटेंड ड्रिंक्स होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, कोक हो गया, फ्रूटी हो गए, ये सारे 0, जितना ज़्यादा मिनिमम अवॉइड करिए, मतलब कि देना ही नहीं है बच्चों को, थोड़ा बहुत भी नहीं तो उसको अवॉइड करना है। इंडिया में एक और ट्रेंड है, चाय मत दीजिए बच्चों को, तो ये भी 0 में ही आ जाता है। एंड फाइनली 10 is to add कि जो स्लीप है वो एटलीस्ट 10 आवर्स की तो बच्चे को देना ही देना है, क्योंकि उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो होता है गोल कितना होना चाहिए, कि अगर बच्चा ओबेसिटी है, आप फॉलोअप में भी हैं, अपने डॉक्टर से बात भी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें को फॉलो भी कर रहे हैं, तो ध्यान क्या रखना है कि एकदम सडन लॉस नहीं करवाना है हमें बच्चे का। तो गोल कितना होना चाहिए वो मैं इस चार्ट में बता दे रहा हूँ। इस चार्ट में जो रीडिंग्स हैं वो पाउंड्स में दी गई हैं, तो उसके नीचे लिखा भी हुआ है कि 1 पाउंड जो होता है वो अप्रॉक्स आधे किलो के बराबर होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें देना है कि एज के अकॉर्डिंग हमें क्या गोल होना चाहिए, बच्चे को 1 महीने में कितना कम करना है गोल। तो आप यहाँ पे पॉज करके उसी के अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे के लिए टारगेट में रख सकते हैं। तो खत्म करने से पहले कुछ छोटे छोटे से टिप्स मैं दूंगा कि पहली बात तो है कि इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। 1 दिन में बच्चा बिल्कुल जो भी बैड हैबिट्स हैं वो नहीं सुधरेगा, तो अगर स्क्रीन टाइम कम कर रहे हैं या जंक फूड कम कर रहे हैं तो गिव सम टाइम टू द बेबी, गिव सम टाइम टू द चाइल्ड, 2 से 3 महीने में करके कम करना है। दूसरी चीज़ है कि अगर आपको प्रॉपर, अगर आपका बेबी ओबीस या ओवरवेट कैटेगरी में आता है तो एक प्रॉपर डाइट चार्ट होना बहुत ज़रूरी है, उसको फॉलो करना ज़रूरी है। उसी तरीके से एक फिजिकल एक्टिविटी का चार्ट होना बहुत ज़रूरी है। और एक 3rd पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ या प्रैक्टिकली मैंने बहुत यूजफुल फाइंड की है, कि एक रोल मॉडल अपने बच्चे को दिखाइए। अगर मम्मी पापा खुद एक रोल मॉडल हैं, फिटनेस एंथुजियास्ट है, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं तो एक रिलेटेबल रोल मॉडल, घर में कोई फैमिली में बुआ हो, चाचा हो, भैया दीदी, कोई भी एक ऐसा हो जो कि इस चीज़ को दिखाना है कि किस तरीके से वो हेल्दी खा रहे हैं, क्योंकि बच्चे उन रोल मॉडल से बहुत कुछ सीखते हैं। मैं एक्टर्स की बात यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो रिलेटेबल नहीं होते हैं, जो स्क्रीन पे दिखता है वो रिलेटेबल नहीं है। तो बच्चे जिनको देखते हैं फिजिकली अपने सामने, जिनसे बात करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, उनको रोल मॉडल बनाइए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, उनको भी हेल्प मिलेगी। एज अ चैनल अगर हमें अच्छा लगता है, हमारे
हमारा कंटेंट, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल नोटिफिकेशन या बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, उससे हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। नमस्ते।